अब हम चलते हैं साइड कार कंटेनर पे। साइड कार कंटेनर क्या होते हैं? साइड कार कंटेनर लाइक हम क्या कर रहे हैं, ये हमारा पूरा एक पॉड है। पॉड के अंदर हमारा एक मेन कंटेनर चल रहा है, जैसे अभी हमने इंजन एक्स का चलाया था। उसके अलावा हमने एक वॉल्यूम क्रिएट किया उस पॉड के अंदर ही। वॉल्यूम के अंदर हमने इसकी लॉक्स डाल दी, या इसकी हमने फोल्डर इसके साथ अटैच करा दिया मेन कंटेनर का। और हमने एक और साइड कार कंटेनर बनाया, और साइड कार कंटेनर भी हमने इस वॉल्यूम के साथ अटैच कर दिया। तो अब हमारे पास जो हमने मेन कंटेनर का फोल्डर हमने वॉल्यूम के साथ शेयर किया था, वो हमारे साइड कार कंटेनर के साथ भी शेयर हो चुका है। और हमारे पास दोनों चीज़ें चल रही हैं, हमारे पास दोनों कंटेनर चल रहे हैं। ये लॉक्स के लिए भी यूज़ होता है, हम भी इसको अभी लॉक के लिए यूज़ करके देखेंगे। तो हमारी मेन एप्लीकेशन है हमारा इंजनएक्स का कंटेनर है। हमने क्या किया, उसकी लॉक हमने वॉल्यूम पे माउंट कर दी, और हमने दूसरे वाले कंटेनर से हम इसकी जो लॉक्स हमें वॉल्यूम से मिल रही है उसको हम प्रिंट करा के देख रहे हैं। साइड कार कंटेनर अगर आपने यूज़ करना हो तो आपकी नीड पर डिपेंड करता है कि आपकी क्या नीड, आपकी एप्लीकेशन को अगर कोई सपोर्टिंग कंटेनर चाहिए तो आप उसके साथ यूज़ कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप हमेशा ही साइड कार कंटेनर यूज़ करें, ठीक है। लेकिन साइड कार कंटेनर होते क्या है, वो ये होते हैं कि आपका एक मेन कंटेनर चल रहा होगा, उसके साथ अगर आप कोई सपोर्टिंग कंटेनर है तो उसको भी आप उसके साथ अटैच कर देंगे, तो वो आपका काम करेगा, उसको साइड कार कंटेनर बोलेंगे, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। साइड कार कंटेनर्स आर कंटेनर दैट आर नीडेड टू रन अलॉन्ग साइड विद मेन कंटेनर। अगर आपके मेन कंटेनर को ज़रूरत है साइड कार कंटेनर की, मतलब आपकी मेन एप्लीकेशन को नीड है किसी और एप्लीकेशन की भी उसके साथ, तो उसको चाहिए, तो उसमें हम साइड कार कंटेनर यूज़ करके उसको डिप्लाई कर सकते हैं पॉड पे, ठीक है। हम यमल देख लेते हैं इसकी पहले। अच्छा, यमल में जो ब्लू हाईलाइट हुआ है ना, इसको आप छोड़ दें, इस पे अभी हम फोकस नहीं करेंगे क्योंकि अभी ये चीज़ें हमें समझ नहीं आएंगी, हमने पढ़ी नहीं है। लेकिन जो येलो वाली है इसको हम देखेंगे, येलो वाली को, और हम इसको समझेंगे, ठीक है। तो इसमें भी वही है सेम एपीआई वर्जन, इसका भी वही है पॉड है, ये काइंड भी पॉड है इसकी, ठीक है। मैटर डाटा इसका नाम क्या है, सिंपल वेब ऐप, ठीक है। लेबल्स हम बाद में देखेंगे इसको। स्पेक, स्पेक में हमने बताया कि भाई कंटेनर है, कंटेनर रन होंगे इसके अंदर, और कंटेनर में हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि हम एक से ज़्यादा कंटेनर भी चला सकते हैं, इसलिए हम यहाँ पे एरे बनाते हैं। तो इस कंटेनर के अंदर क्या क्या होगा वो इसके एरे में आ जाता है। दूसरा कंटेनर किस चीज़ का होगा वो एरे बना के हम उसमें बताते हैं। ये वाले कंटेनर में हमारे पास क्या है, हमारे पास ये एप्लीकेशन है, इसका हमने नाम रखा है मेन एप्लीकेशन, और इसके अंदर इमेज है इंजनएक्स की। फिर उसके बाद हमारे पास एक और इमेज है, इमेज में हमने क्या किया, इमेज का हमने नाम बताया, नाम बताने के बाद उसका इमेज का टाइप बताया कि भाई इमेज क्या है, इमेज का नाम बताया बिजी बॉक्स। और उसके बाद हमने क्या किया, हमने कमांड बताई कि भाई इसमें कमांड आपने क्या करनी है, आपने शेल की कमांड चलानी है, उसके अंदर वाइल ट्रू एक लूप लगाना है। लूप का काम क्या होगा, वार लॉग इंजनएक्स एक्सेस लॉग को कैट कराएगा हर 2 सेकंड बाद, ठीक है। अब हम थोड़ा सा आइडिया ले लेते हैं कि ये क्या लिखा हुआ है, इसमें हो कैसे रही है, ठीक है। तो एक वॉल्यूम है, वॉल्यूम मतलब एक शेयर्ड डायरेक्टरी है जो हमने क्रिएट की है, एम्प्टी है वो डायरेक्टरी। वो हमने क्या किया है, उसको हमने इंजनएक्स के इस डायरेक्टरी के साथ माउंट कर दिया है, वार लॉग इंजनएक्स के साथ इसके साथ माउंट कर दिया है इसको, शेयर डायरेक्टरी को, शेयर लॉग को, ये वाली डायरेक्टरी को हमने इसके साथ माउंट कर दिया, और इसके साथ भी माउंट कर दिया है बिजी बॉक्स के कंटेनर के साथ भी शेयर लॉग, और इसमें भी इस पाथ पे इसको माउंट कर दिया, और इसी पाथ से हम कैट करा रहे हैं ये चीज़ें, ठीक है। ये नहीं भी समझ में आया कोई इशू नहीं है, लेकिन बस मैं आपको अभी साइड कार कंटेनर बता रहा हूँ, उसमें ये बता रहा हूँ कि 2 कंटेनर हमारे चलते हैं, तो वो कैसे यूज़ कर रहे होंगे, वो क्या चल रहा होगा उसके अंदर। बाकी ये सर्विस है, सर्विस को अभी छोड़ दें, अभी हम सिंपली कुछ भी नहीं करेंगे सर्विस को, सर्विस को अभी आप साइड पर रखें, अभी हम इसको क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो हम विम करते हैं, साइड कार कंटेनर बनाते हैं। साइड कार कंटेनर इसके अंदर मैंने इसकी यैमल बना ली थी, आप भी इसको सिंपली कॉपी पेस्ट कर लें यहाँ से उठा के पूरा, ठीक है। तो इसमें सब कुछ वही लिखा हुआ है जो हमने वहाँ पे लिखा हुआ है। अच्छा, हैश का मतलब होता है कमेंट्स, अगर आपने कोई कमेंट करना। अच्छा, ये 3 डॉट्स, ये 3 डैश क्या है, 3 डैश का मतलब ये होता है कि आप अगर एक यमल के अंदर 2 सर्विसेज लिख रहे हैं, जैसे अब ये सर्विस पॉड की थी, इसकी काइंड क्या है, इसकी सर्विस है, तो ये मतलब ये एक यमल अलग है, ये यमल अलग है, तो उसको सेग्रीगेट करने के लिए हम बीच में 3 डैश डाल देते हैं, तो वो समझ जाता है कि ये अलग यमल है, ये अलग यमल है। हमने क्या करना है, हमने यमल बना ली इसकी, अब हम क्यूब CTL करेंगे, अप्लाई करेंगे -F, और साइड कार कंटेनर को अप्लाई कर देंगे। तो ये हमारे पास 2 YAML थी, इसने 2 YAML क्रिएट किए हैं, एक सिंपल वेब ऐप में पॉट क्रिएट किया है और एक सर्विस क्रिएट किया है। अब हम देखते हैं कि हमारी
क्यूब सीटीएल, गेट पॉड्स, हमारे पास ये रनिंग आ रही है चीज़ें। इस बार हमने एक पॉड में दो कंटेनर क्रिएट किए थे, एक बिजी बॉक्स का और एक इंजन एक्स का, तो इसलिए हमारे पास यहाँ पे दो आ रहे हैं और दोनों रनिंग में, इसलिए हमारे पास रेडी में भी दोनों आ रहे हैं। और ये पॉड रनिंग स्टेट में, इसका नाम ये है और रीस्टार्ट जीरो है, एज जीरो है। डिप्लाई कहाँ पर हुआ है वो हम देख सकते हैं माइनस ओ वाइट से, तो ये वर्कर पर डिप्लाई हुआ है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, हम इसको अपने जो पॉड हमने बनाया है इसमें हम इंजन एक्स के कंटेनर को एक्सेस करके देखते हैं। सो हमने जो सर्विस बनाई थी वो इसीलिए बनाई थी ताकि हम इसको एक्सेस करके देख सकें अपने पॉड को ना। अब हम चेक कर लेते हैं, क्यूब सी डी एल गेट सर्विस से हमें बता देगा कि आपका जो पॉड है वो एक्सटर्नली इस पोर्ट पे एक्सेस कर सकते हैं आप इसको। हमारा इंजन एक्स का कंटेनर था वो इंटरनली पोर्ट 80 पे चल रहा था, एक्सटर्नली इसको ये पोर्ट असाइन हुई है। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, हम अपनी सर्वर की आईपी निकालते हैं। सर्वर की आईपी हमारी ये 192.168.137.70, हम ये आईपी लिखते हैं और इसके बाद इसको जो पोर्ट असाइन हुई है, इसको पोर्ट असाइन हुई है ये हम एक्सेस करके देखते हैं इससे। वेलकम टू इंजन एक्स, ठीक है, ये इंजन एक्स का पेज आ गया। इसी तरह अगर हम वर्कर पे देखें, ये हमने मास्टर से एक्सेस किया था, हम वर्कर पे देखें, वर्कर की पोर्ट, वर्कर पे इस पोर्ट पे देखें तो हमारे पास ये वर्कर के भी इस पोर्ट पे एक्सेस हो जाएगा। ठीक है, हमारे पास वर्कर पे भी आ गया, तो हमारा कंटेनर चल रहा है, हमारा इंजन एक्स का कंटेनर चल रहा है। लेकिन अभी हमने एक चीज वेरीफाई नहीं की कि हमारा ये साइड कार कंटेनर जो है, हमारा जो ये साइड कार कंटेनर है बिजी बॉक्स का, इसको अभी हमने वेरीफाई नहीं किया। तो इसके लिए क्या है, हम इसको लॉक्स देख लेंगे। इसकी लॉक्स में हम क्या करेंगे, हम क्यूब सी टी एल लॉक्स माइनस एफ फॉलो करो और हमारी जो पॉड है, पॉड का नाम ये है और इसके अंदर साइड कार कंटेनर, इसमें हमारा पॉड का नाम ये है सिंपल वेब ऐप और इसके अंदर हमारे कंटेनर का नाम है साइड कार कंटेनर। हम इसको बोलेंगे कि भाई इसमें से इस कंटेनर पे जाओ, तो हमें इसकी लॉग सिखाएगा, हर दो सेकंड बाद इसको वो प्रिंट करेगा, हर दो सेकंड बाद। हमने यही लूप लगाया था, वाइल ट्रू कैट कराओ वार लॉग इंजन एक्स एक्सेस लॉग हर दो सेकंड बाद। अभी इसके पास कितनी रिक्वेस्ट आ रही है, आई थिंक एक दो समथिंग तीन चार रिक्वेस्ट आ रही है। इसको अगर हम मज़ीद इसको हम हिट करें यहाँ से तो हमारे पास रिक्वेस्ट और बढ़ जाएंगी। ठीक है, जैसे ये बता रहे ना 180 पे हिट आई है, 180 पे हिट आई है, अगर हम यहाँ से 170 पे हिट करेंगे तो यह बताएगा कि 170 पे हिट आई है। ये देखें 170 कहाँ गया, ये 170 की हिट लेके आ रहा है, ये 170 यहाँ से हिट हो रहा है ना, तो ये लॉक प्रिंट करा रहा है। एक्चुअली साइड कार कंटेनर हमारा क्या कर रहा है, लॉक्स प्रिंट कराने का काम आ रहा है। अच्छा, एक और चीज़, हमने जैसे इसको एक्सेस किया था, हमने इसको एक्सेस किया था तो हमने अब हम यहाँ पे हमारे दो कंटेनर है, इस पॉड में हमारे दो कंटेनर है, क्यूब सी टी एल गेट गेट पॉड, इसमें हमारे पास दो कंटेनर है। तो अब हमें अगर एक्सेस करना है दूसरे कंटेनर को, हमने पहले क्या किया था, हमने यहाँ पे इंजन एक्स और डिप्लाई पॉड का नेम, पॉड का नेम इंजन एक्स और कंटेनर का नेम इंजन एक्स करके हमने यहाँ से एक्सेस कर लिया था। अब हमें अगर इंजन एक्स को एक्सेस करना है या बिजी बॉक्स को एक्सेस करना है तो उसके लिए क्या करेंगे, हम उसके लिए हम सिंपली हम जो इसका नाम है सिंपल वेब ऐप, हम यहाँ पे ये नाम प्रोवाइड करेंगे पॉड का और उसके अंदर हमारे पास दो कंटेनर थे, एक कंटेनर का नाम था मेन एप्लीकेशन, हम मेन एप्लीकेशन लिखेंगे तो हम मेन इसके पॉड के अंदर आ जाएंगे, सॉरी हम इंजन एक्स के पॉड के अंदर आ जाएंगे। ठीक है, हम इंजन एक्स के पॉड के अंदर आ गए और इसी तरह अगर हम इससे बाहर आए और इसमें हम अगर लिखें, हम लिखें अगर साइड कार कंटेनर, तो अब हम साइड कार कंटेनर में सिर्फ शेल होगा अभी ना, इसमें कुछ और नहीं होगा, तो ये हम साइड कार कंटेनर।
तो अगर हमारे पास एक पॉड के अंदर डिफरेंट कंटेनर चल रहे हैं तो हमें उसको एक्सेस कैसे करेंगे? तो हम स्पेसिफिक उसका कंटेनर का नाम बता देंगे, माइनस सी कंटेनर कौन सा है, उस कंटेनर का नाम बता के उसके अंदर जा सकते। ठीक है, तो आज हमने देख लिया कि पॉड क्या होते हैं, पॉड को एक्सेस कैसे करेंगे, पॉड को डिप्लॉय कैसे करेंगे, पॉड में यैमल क्या होती हैं, कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, यैमल में क्या होता है इसमें पॉड में, और इसके अलावा हमने साइडकार कंटेनर पॉड्स देख लिए, कंटेनर देख लिया, साइडकार कंटेनर देख लिए। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हमारे पास क्या है टॉपिक, नेक्स्ट वीडियो में हम ये चीज़ें देखेंगे, एनोटेशन, लेबल्स और सिलेक्टर। अगर आपको आज की वीडियो में सब कुछ समझ में नहीं आया तो कोई इशू नहीं है, आहिस्ता आहिस्ता जब हम प्रैक्टिकल करते रहेंगे तो आपको चीज़ें क्लियर होती रहेंगी, तो इसमें कोई टेंशन की बात नहीं है, बस इसको प्रैक्टिस करते रहें, आपको चीज़ें क्लियर होती रहेंगी। सो हम आज की वीडियो को एंड करते हैं यहाँ पे, और इसमें जो भी इसकी कमांड्स है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, सिंपली आप इसको प्रैक्टिस करें, आपको समझ में आ जाएंगी चीज़ें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।